नए हमारे ना कोई 8 मामा 8 गमले आए हैं नए, 13 हाँ, वो स्पेशल बेसिकली गमले नहीं है जो मिट्टी के होते हैं, वो कपड़े का एक कोई नई चीज़ आ गई है जो कि कपड़े के गमले आ गए हैं ना, तो वो मामा ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, उसके अंदर फिर मिट्टी भरी है, पौधे लगाए हैं। क्या है जी सर, दुनिया के जो डिफिकल्ट डेंजरस किस्म के गेम्स है ना वो चलाता, पढ़ा लिखा कितना है? दोस्तों इस ट्री की हर सीट पर, मैं तो ये कह रहा था कि आज बट कढ़ाई खा लेते चलते, लेकिन अभी ये खाने लगे हैं तो रात का खाने पे खा लें, नहीं रात हो गई तो बहुत लेट, फिर वो बनाते में घंटा लग जाएगा पापा, फिर वो मील पूरा नहीं होगा मेरा तो। अच्छा आधा खाए, हाफ खाए, थोड़ा खाए? नहीं मुझे तो भूख, बाबा ना खाए ना, बाबा को ना। अच्छा ये क्या, इसको क्यों आज लगाया? आज मैंने इस पे स्टेक करने थे कि ज्यादा एक टाइम में डबल हो जाए। अच्छा। ट्राई करने थे, है तो ये भी नॉन स्टेक, तो ये जल्दी करने वाला काम जो है ना ये पोटैटो, ये मैं करता हूँ। हाँ जी ये जरूरी है और जल्दी करने का आपको, अच्छा लगता है। बात सुने, ये भी पीलर है, आप शुरू करो। मामा क्या है, आपने कुछ मांगी नहीं आपको तो, मैं बहुत संभालती हूँ, ये इधर उधर कर देती क्या है। क्या मामा, आपको इतनी देर में तो मिल जाता हूँ। नहीं तो बस वो चाहिए था मुझे तो, मेरे नहीं, ये मैं आपको दिखाया कि आपको इससे इजी होगा, ये बड़ी अच्छी चीज है। वेरी सैड मामा, आपको चीज आपने चीज घुमा दी मामा, जल्दी में ये भी मिल जाएगी। शुरू करो, लेट हो रहे हैं आप, फिर बाबा ये ना आप आटा उठा के मुझे मारो, बट कढ़ाई बस करो आपने, एक जिनके घरों में पिटाइयां होती है ना वो भी नहीं इस तरह के बोलते, सही पिटाइयां होती है। एक दफा क्या हुआ कि मामा रोटी बना रही थी, बचपन की बात है, तबीयत खराब थी, तो तबीयत थोड़ी खराब थी मामा की, तो मैंने आके सामा भाई और मैं हमने आके मामा की वो रोटी को और बेलना शुरू कर दिया, तो वो रोटी ख़राब हो गई, तो मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मामा ने वो उसको ऐसे करके हल्का से नहीं उठा के दबा रहे मारा था आटा, तो वो हमें आज तक नहीं भूलता, वो जो उन्होंने मारा था ना पेड़ा उठा के आटे का, नहीं कभी पिटाई नहीं हुई, बस वो बचपन में जूती भी मारी थी, हम ऐसे करके हमने मिस कर दी ऐसे वो बस ऐसे, वो इसकी वो दोनों आपस में एक दूसरे को आप मार रहे थे टॉय स्पाइडरमैन की तरह, जी वो मार रहे थे, ऐसे ऐसे करके जूती मारी मामा ने, उसामा भाई था भाई, ऐसे हुआ और जूती ऊपर से गुजरी। अच्छा मैं आपको एक बात बता रहा था कि क्या हुआ मुझे मामा, किसी ने इंस्टाग्राम के ऊपर ना कमेंट किया या मैसेज किया, वो सिस्टर हमारी बड़ी रेगुलर फॉलोअर है ना, तो वो कहती है कि साहब भाई जिस तरह मैं आपको इंस्टाग्राम की स्टोरीज के अंदर देखती हूँ ना कि आप फ्राई अंडे के ऊपर वो काली मिर्च डाल के खाते हैं, तो मैं भी अब उस तरह फ्राई अंडे के ऊपर काली मिर्च डाल के खाना शुरू हो गई हूँ। या कभी उन्होंने उस नहीं, इसमें कौन से आइडिया की बात है फ्राई अंडे पे काली मिर्च डालने वाला, ये तो मेरा हाल है कि जब से इंसान है आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से फ्राई अंडा खाया जा रहा है। हाँ आप लोग किस तरीके से फ्राई अंडे खाते हैं, मतलब आप लोग घर में भी तो क्या उसके ऊपर, हाँ फ्राई अंडा जब आप लोग खाते हैं उस पर आप लोग काली मिर्च नहीं डालते, आप लोग इतनी मेरी काली मिर्च देख के इतने हैरान हो गए कि साहब भी आप तो पूरा काला कर देते हैं, तो मुझे तो काली मिर्च के बगैर फ्लेवर ही नहीं आता, तो आई डोंट नो कि आप लोग किस तरह खाते हैं। आप काट रही हैं, मैं तो नहीं काट रहा, मैं इसकी ऑडियो बंद नहीं करूँगा, आप काट रही है। दूसरी चीज़ ये मुझे बताएं कि अगर आप लोग अंडा खाते हैं तो किस टाइप का अंडा खाते हैं, ऑमलेट खाते हैं, फ्राई खाते हैं, उसको स्मैश करके वो जो तोड़ के खाते हैं काली मिर्च वाला, या फिर लाल मिर्च वाला अंडा भी खाते हैं। किसी दिन मैं आपको लाल मिर्च के साथ अंडा बना के दिखाऊंगा, बड़ा स्पेशल किस्म का, रोटी का फुल्का बना के ना जैसे वो फूलने लग दिया ना साइड से, उसको मतलब फाड़ के ना काट के, जब वो फूल के अंदर उसके ऑमलेट का मसाला अंदर डाल दिया उसके, और वो फिर वो मतलब कि रोटी जो है वो ऑमलेट वाली रोटी बन गई, अंदर था ऑमलेट उसके, मैंने कहा सही है, ऑमलेट चिपका हुआ था मैंने देखा, हाँ वो अंदर था इस दफा। स्टेक बन चुका है, आए खाते हैं स्टेक मिल के, आ जाए मिल के, मीन्स के खाऊंगा सिर्फ मैं, आप लोग देखेंगे, शेयरिंग नो शेयरिंग टुडे, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने शेयर किया था आपके साथ और आधा आप खा के रहे।
because that's where the prison is. Follow me. चलो जी, सो ये था थोड़ी सी एक्टिविटी। 4:45 हो गए हैं, असर का टाइम है, तो फिर कब हम अभी ये खाएंगे और कभी हज़म होगा और कभी रात का हम खाना खाएंगे ये तो अब मेरे पेट को ही पता है, क्योंकि आज जिम नहीं जाना था। चलो एटलीस्ट मार्जिन है हमारे पास 2-3 घंटों का। काउंटर मेजर्स तैयार ना कर सके, AIM 120 ज़्यादा से ज़्यादा 160 किलोमीटर तक। भाई शक्कर से याद आया कि हमने अपने घर में चीनी जो है ना बैन कर दी और हम लोग अब से शक्कर डालने शुरू कर दिए। इंस्टा पे तो बात हुई थी, आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं पता। एक डिसीजन हमने लिया, अल्लाह करे कि हम इस पे कंसिस्टेंट रहें। जो कि 35 किलोमीटर तक मार करता है। ये मिसाइल J-10C के शॉर्ट रेंज मिसाइल PL-10E से ज्यादा रेंज रखता है। PL-10E की रेंज 20 किलोमीटर तक है। हमारा वो प्रोग्राम कैंसिल कर, क्यों वो तो नहीं है फिर देखा ना, 2-3 घंटे बाद वो खा लूंगी। इतना थोड़ी आधा सब बैठा असल में बाबा कह रहे थे कि हम लोग जाके ना वो खाते हैं बट कढ़ाई। अभी 4:30 बजे तो हम लोग इतने हैवी स्टेक और फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, तो कब बट कढ़ाई खाएंगे। तो मुझे तो भूख लगी है अभी भी। आप वो भी खा लेंगे, खा लेंगे 8 बजे खा लेंगे। फिर एक पराठा बर्न करने के लिए 2 घंटे ट्रेडमिल पे भागना पड़ता है। एक पराठा खाएं आधा तो आपने किस तरह जो है ट्राई करने में खा लिया? आपने किया होगा ट्राई, मैंने नहीं किया बिल्कुल भी। मैंने एक लुकमा लिया था, ये बाकी देखे छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, खोल के देख रही हूँ। मुझे तो लगा कि भाई आपने टेस्ट किया, इसको खोले ना जरा, आपको आइडिया हो, खोले जरा। ये देख आधा पराठा हो गया, अब आपको 1 घंटा ट्रेडमिल में भागना है। इतनी मेहनत की चीज बनी है, चीज आया भी नहीं। अगर देखा जाए J-10C से कम नहीं है, क्योंकि कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए बड़ा मुश्किल शक्कर वाली चाय पीना, ज्यादा मजा ही नहीं आता। मतलब कि शक्कर वाली चाय पीने से पीछे बच्चे रहे, बंदा पिए नहीं। हाँ तो अच्छा है, फिर छोड़ दे। इस सर्दियों में गर्मियों में तो हमारी एक टाइम भी मुझे तो अच्छी नहीं लग रही होती थी नाश्ते में। सर्दी में बस गर्म गर्म कुछ भी। इस बात में कोई शक नहीं कि F-16 की हिफाजत के लिए अमेरिका ने इसे बेहतरीन ECM पोर्ट से लैस किया है। अच्छा यार, सो ये थी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है। छोटा सा हमारा ये टी टाइम का थोड़ा बहुत खाना पीना, और इंशाल्लाह जो कैपिटल सीरीज़ की अगली एपिसोड है इंशाल्लाह वो आपका भाई रिकॉर्ड करने जा रहा है होपफुली कल। आज बेसिकली जिस दिन मैंने वीडियो एडिट किए बैठ के, इस दिन आज मैं गया हूँ जाके, मैंने GoPro के कुछ मुझे एक्स्ट्रा बैटरीज चाहिए थी क्योंकि सिर्फ एक बैटरी मेरे पास रह गई थी। तो नेक्स्ट व्लॉग में होपफुली वो बैटरीज और वो सारी शॉपिंग उसकी आप देख लेंगे, जो मैंने कैमरा की और थोड़ी सी शॉपिंग की है, ताकि इक्विपमेंट पूरा होगा तो फिर मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट अपनी जो इक्विपमेंट पे स्पेंड करूँ इफेक्टिव, जो मुझे फील होता है। देखें सामने तो कैमराज हैं, कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ, बट उसके पीछे जो इक्विपमेंट होता है उसको बैक करने के लिए बैटरीज हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, उनके चार्जर्स हैं, वो इटसेल्फ पूरा एक महाज होता है। तो बैटरीज अभी मुझे मेरे पास एक थी, एक मेरी बैटरी कैमरे के अंदर फंस गई, वो एक अलग स्टोरी है। तो आज का दिन मेरा, जिस दिन मैंने एडिट कर रहा हूँ, आज का दिन मेरा पूरा इस्लामाबाद में निकल गया उसकी वो उस चक्कर में। तो इंशाल्लाह आप कल होपफुली मैं जाऊँगा और इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाली है कैपिटल सीरीज़ की। और दूसरी अनाउंसमेंट भी करनी थी, जो कि मैं एक अलग से पूरी वीडियो बना दूंगा ताकि वो टाइटल में मैं डाल दूं, लेकिन इसमें भी मैं एक दफ़ा जिक्र कर देता हूं कि बल्कि नेक्स्ट में डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें मैं वैसे आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि 1 जनवरी 2022 को इंशाल्लाह हम लोग मीटअप रख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर तो डिटेल से सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इस्लामाबाद के अंदर एक जो टूरिस्ट बस है ना, डबल डेकर बस, इसमें पूरा इस्लामाबाद घुमाती है, वो 400 रुपये लेती है। और जो मरी रोड के ऊपर इनका एक टर्मिनल है, वहाँ से बैठते हैं, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा, फलाना बाग या गार्डन्स करके कौन सा, जो वो पार्क है बेसिकली, उस पार्क के अंदर इनका है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं पूरी, नेक्स्ट व्लॉग में पूरी डिटेल दूंगा। तो बेसिकली मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग सारे मिलकर, उसमें कोई 69 सीट्स होती हैं, 69 सीट्स होती हैं, तो हम लोग 60-70 बंदे थे एटलीस्ट, हम लोग मिलकर तो पूरा इस्लामाबाद पिंडी घूम सकते हैं। उसमें फैमिलीज़ भी आ सकती हैं, इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं। तो मैंने फ़ोन नंबर उनका दे दिया था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी, उनसे मैंने फ़ोन पर बात कर ली है। फर्स्ट को हमारा प्लान डन है, और फर्स्ट की मॉर्निंग की शिफ्ट जो कि 10 बजे निकलती है, तो उसके 9:30 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो खैर सारी डिटेल मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा, अभी आप सिर्फ अपने माइंड में सिर्फ इतना रखेंगे अगर आपने 1 जनवरी को आप फ्री हैं, अगर इंशाल्लाह आप मिलकर इस्लामाबाद घूमना चाहते हैं, 5-6 घंटे का एक पूरा टूर होता है, सुबह 10 बजे निकलती है,
दो तीन बजे तक वापस आ जाते हैं मरी रोड पे, पूरा इस्लाम फैसल मस्जिद हो गया, F7 मरकज़ हो गया, लोक वरसा हो गया, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट हो गया, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाते हैं और हर जगह पर जाकर 10-15-20 मिनट आधा घंटा रुकते हैं और इस तरह पूरा इस्लाम आबाद टूरिस्ट को दिखाते हैं। तो हम भी चलें कि वो डबल डेकर बस होती है, छत ओपन होती है, बड़ा मज़ा आता है। आजकल मौसम भी अच्छा है ना, वरना गर्मियों में ऊपर छत पे बंदा बैठ नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा चलो अभी सर्दियाँ तो मज़ा आएगा। तो बस अपने माइंड में रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में पूरी मैं डिटेल्स दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस शॉर्ट सा इंटरेस्टिंग सा मीटअप पर। ठीक है, सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।